नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ नाबालिग छात्रा की डंडे से हमला कर हत्या, झिटी कहने से मना करने पर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला सामने आया। हाई स्कूल बमहनी की कक्षा 10वीं की छात्रा को स्कूल से घर जाते समय एक युवक ने डंडे से हमला कर दिया, जिसे घायल छात्रा की मौत हो गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला बाजार चारभाटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार घटना 13 अगस्त की शाम 5 बजे की है। आज जब हाई स्कूल बमहनी की 15 वर्षीय कक्षा 10वीं की छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी, इसी दौरान बमहनी निवासी विक्की कौशिक उर्फ जग्गू उमर 19 वर्ष ने उसे झीटी पतली दुबली लड़की कहकर अपमानित किया, तो छात्रा ने उसे ऐसा कहने से मना किया, जिसके बाद विक्की ने पास में पड़े लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर हमला कर दिया। इसके हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों ने स्वरूप जीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी विक्की कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 103 एक BNS हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।